Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some one more minute to go. Alright friends, so now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? और आप इस वोटिंग लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं. हरिका, स्वप्निल, कबीर एंड अदर्स, द आंसर इज यस. सो विल स्टार्ट द क्लास. 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए, क्रोम ब्राउजर यूज करिए, इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन करिए एंड एड ऑन अगर हो कोई तो डिसेबल करिए एंड होपफुली इट शुड वर्क. तो हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक अपडेट्स पिलर टू, यानी बजट, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस. उसके अंदर कल रात तक हमने ये सब टैक्सेशन और ये डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में GST वगैरह में क्या नए अपडेट्स रहे वो हमने देखे. आज उसी हैंडआउट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अब देखेंगे पिलर टू बी, जहाँ पर ये 15 फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स 15% रखते हैं, ये सब मुद्दे क्या है. इसके बाद वाले जो इस सीरीज में क्लास होंगे वहाँ पर हम जाएंगे पिलर टू सी, तो सब्सिडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, SBI उत्सव कार्ड, सैलरी के ऊपर LTC में कुछ माफी, ये सब क्या था. एंड देन टू डी में ये डिस इन्वेस्टमेंट की नई पॉलिसी, डेफिसिट, फिर इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी अपनाओ, कुछ IGRD करो, FRBM एक्ट में क्या संशोधन है, वो सब देखेंगे. हालांकि ये अब तक जो हमने पढ़ा, वी हैव रीच्ड अप टू पेज 7070 ऑफ द हैंडआउट ऑफ Win21 सीरीज. तो ये आशा रखते हुए कि जो कल रात तक हमने पढ़ा था वो आप सब रट के आए हैं, तीन क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं कि आपने कितना तैयार किया है फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर. अर इन द फॉलोइंग टैक्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्टिमेटेड कलेक्शन फॉर द ईयर 2021-22, अनुमानित संग्रह के घटते क्रम में इनको आप अरेंज कीजिए. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3 वगैरह वगैरह. और आपका टाइमर, वोटिंग लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है अब. लक्ष्य, अभिषेक, गौतम, तेजेश्वर, आदर्श, अरुण, अशोक, प्रणव, अर्थ, अंकित, शुभम, रोहित, हर्षित, कस्तुभ, आशुतोष, बालदीप, शैलेंद्र, दीपांशु, उत्कर्ष, विशाल, सौरभ, ये सब लोग. फिर पलाश, लक्ष्य, विश्वेश्वरी, दर्शन, सुशील, दिनेश, सुमन, रजय, मुकेश, राहुल एंड अदर्स, करेक्ट आंसर्स. इधर करीब 49% लोगों को लगा जवाब ये होना चाहिए. लेटेस्ट चेक कल पढ़ा था अभी रात हमने. ये पूछ ऐसा रहा है कि 2021-22 में सरकार को टैक्स में कलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा कौन से में इनकम होगी, कम किस में होगी, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो सबसे ज्यादा GST से इनकम होगी ऐसा लगता है, 6 लाख करोड़, फिर इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर एक्साइज, फिर कस्टम्स. तो वो सीक्वेंस बनाने बैठो जो आपके आएगा 1, 2, 3, 4 इज द आंसर. जहाँ तक IAS एग्जाम की बात है उसमें ये प्रश्न नहीं पूछते क्योंकि ये काफ़ी क्लिशेड, घिसा पिटा हो गया है. लेकिन जितनी भी नॉन IAS एग्जाम आप उठाओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर के अगर उनको ये टॉपिक से पूछना हो, यूजुअली ये
इसी चीज़ पे आके सबसे हाईएस्ट किसका कलेक्शन होगा, सबसे लोएस्ट किसका होगा वगैरह, फेवरेट टॉपिक सी डी एस सी ए पी एफ जितनी परीक्षा उठा। ये एक दूसरा प्रश्न ट्राई करिए, इन बजट 2020 मतलब पिछले साल का बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विटनेस्ड अ शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू कलेक्शन। बजट 2020 में इनमें से किन कर राजस्व संग्रह में कमी देखी गई, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और आपका ऑप्शन है 1 एंड 3, 2 एंड 4, 1, 2, 3 या ऑल फोर में कमी देखी गई। और आपका टाइमर और ऑप्शंस शुरू होते हैं अब। वेणुगोपाल, आशुतोष, उषा, राज कपूर, अनन्या, सोनक, रोहित, गौतम, साहिल, निधि, संगीता, कौशिक, फैनिल, चंदन, धीरज, वेदांत, विवेक, जानवी, सुदीप्तो, तेजेश्वर, रोहित, आयुष, वेंकटेश, विश्वजीत, ये सब लोग फिर पलाश, विश्वेश्वरी, रजय, दिनेश, सुमन, सुशील, जितेंद्र, राहुल, मोहम्मद, उमर, प्रिंस एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। करीब 19% को लगा डी, करीब 55% को लगा सी। लेट अस चेक। देखिए, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ये एक प्रकार की टेक्निकल डेफिनेशन है। शॉर्टफॉल मतलब आप ऐसे प्रश्नों में जब उसका हिंदी करने जाएंगे, राजस्व में कमी, तो आप लॉजिक बिठा हो, अच्छा राजस्व में कमी तो वो तो कोरोना में तो सब टैक्स में पैसा कम ही आया होगा, वो आपका लॉजिक शायद इन 19% लोगों ने लगाया, वो गलत है। व्हेन वी से रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल, उसका मतलब क्या कि जो अनुमान लगाया होगा कि ये बजट 2020 जो 1 फरवरी को रखा होगा, तब उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक में जीएसटी में 5 लाख करोड़ आने चाहिए, माफ कीजिए ब्लू कलर की लाइन, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए, बट इन रियलिटी कितना है, 5 लाख करोड़। तो हम क्या कहेंगे, शॉर्टफॉल हुआ, गिरावट देखी गई, कमी देखी गई। उसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्स में यस, इनकम टैक्स में यस, एक्साइज ड्यूटी में सीन अलग है। सरकार ने सोचा था करीब 2.6 लाख करोड़ आएंगे, लेकिन असल में कितने, 3.6 लाख करोड़। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, वो कैसे, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाती गई, क्योंकि उनको ये कोरोना से लड़ने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए था और बाकी सब में कमी थी। सो द आंसर फोर्थ, उसमें तो बढ़ोतरी हुई, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क जो ये पेट्रोल डीजल पे लगता है उस पर तो विटनेस द शॉर्टफॉल, नहीं विटनेस एन इंक्रीज। तो मतलब फोर्थ इज रॉन्ग, बाकी फर्स्ट थ्री आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। अभी लास्ट क्वेश्चन जो कल रात लेक्चर हमने किया था उसमें से, बजट 2021 हैज इम्पोज्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC ऑन फॉलोइंग टैक्सेस, इनमें से किन करों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाया गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, और आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, 3, 4, 1, 2, 3 या मात्र 4, और आपका टाइमर शुरू होता है अब। निखिल, अमृता, ऐश्वर्या, रूपम, उत्कर्ष, शिवम, पारस, अंकित, आशीष, अनुराग, सौनक, विवेक, नरेश, रणवीर, प्रयाग, अंकुर, शुभम, हिमांशु, रमनदीप, किशन, शशांक, ज्ञानंदा, मुकुल, मनोज, तेजेश्वर, जानवी, दानिश, अंकित, अश्विन, कस्तूब, गौरव, मनाली, ये सब लोग पैर, पलाश, रजय, दिनेश, जितेंद्र, सुशील, हर्ष, अनुश्रव, सुमित, प्रज्ञान, पीना लेना आदर्श करेक्ट आंसर। करीब 50% लोगों को लगा बी जवाब होना चाहिए। लेटेस्ट चेक। ये जो नए बजट में चीज आई है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से, किन किन चीजों पे लगेगी, कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, पाम ऑयल, सोयाबीन, एप्पल्स, कोल, लिग्नाइट्स, फर्टिलाइजर, काबुली चना, डिश डिश, तो एग्रीकल्चर, यूरिया,
कॉटन, गोल, शराब ये सब पर लगती है। तो मतलब गोल्ड पर आ गया, ओके। फिर याद करो पेट्रोल डीजल के ऊपर भारत में क्या लगेगा, एक्साइज। के ऊपर और क्या लगता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। के अलावा और क्या लगता है, नए बजट में बोला ये भी लगेगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। वो भी पेट्रोल डीजल पे अलग अलग रेट लगेगी, कल देखा था। तो इनमें से किन पर लगेगा, तो कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड करेक्ट, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल वो भी करेक्ट, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स भाई उस पर, हेल्थ एजुकेशन सेस और दूसरी चीज़ें लगती हैं, ये वाली चीज़ उस पर नहीं लगती है। सो द आंसर इज 3 and 4। करीब 50% लोगों ने करेक्ट किया, बधाई। बाकी सब लोग, उनमें से ऐसे लोग जिन्होंने कल रात का लेक्चर अटेंड किया था और फिर भी गलत हो रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पंक्चुअलिटी रखिए प्रिपरेशन में, वरना दिल बहलाने के लिए 3-4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट लोग देते ही रहते हैं, सक्सेस मिलती नहीं। तो जो ऐसा नहीं कि एकदम अतरंगी और कठिन चीज़ हो, मोस्ट डिफिकल्ट देन ऑल्सो आई विल प्रिपेयर, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न ये ऐसे इजी टू मीडियम लेवल के ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड हो कि हाँ जोक सुना, स्लाइड देखा, अच्छा लगा, इट विल नॉट हेल्प यू। खैर, ऐसी सब प्रैक्टिस करनी हो और कुछ इनाम भी जीतने हो, सिस्टम है कि नहीं, हाँ, हर रविवार सुबह 11 बजे एंड्रॉयड ऐप पर हिंदी और इंग्लिश में एक क्विज होती है, अनअकैडमी कॉम्बैट, या जिसे मैं कहता हूँ पबजी कॉम्बैट। पहले 3 लोगों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन फ्री, बाकी सब लोगों को भी स्कॉलरशिप और उस हिसाब से बड़े बड़े डिस्काउंट, सो यू कैन अटेंड इट। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस मतलब चीज़ क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार की एक सब्सक्रिप्शन भरो और सारे कोर्स या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जो पढ़ना है सारे पेड कोर्स अनलॉक हो जाते हैं। और अब तो वाजीराम के भी पुराने टीचर सब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 2021-22-23 के लिए अलग अलग बैच लॉन्च हो रही है, सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन ज्वाइन इट। डिस्काउंट कूपन कोड moona.org। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अलग अलग बड़े टीचर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पवन कुमार, एंथ्रोपोलॉजी हिमा बिंदु, बाकी सब विषयों में भी बड़े बड़े टीचर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो आज अपना लेक्चर चल रहा है ये फ्री लेक्चर है, हालांकि इसको टेक्निकली बोलते हैं स्पेशल क्लास, क्योंकि फ्री बोले तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्री में कुछ पढ़ाते नहीं, सो स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास इन, जब बाकी सब टीचर के आपने जो भी सोचा है कि मुझे सपोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, तो फ्री क्लास तो आप अटेंड कीजिए, तो आपको थोड़ा पता चले प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या है, सब्जेक्ट के क्या मॉडल आंसर हो सकते, यू विल गेट सम इनसाइट और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करें। सो दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी फ्री बहुत सारी चीज़ें, आप उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। अपना मुद्दा ये था कि अब हैंडआउट में आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लिया, GST देख लिया, 15 फाइनेंस कमीशन पे आते हैं। 15, ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, केंद्र सरकार को टैक्स में जो कलेक्शन हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, CGST, एक्साइज, कस्टम, उनमें से कुछ हिस्सा उन्होंने राज्यों को देना होगा, क्योंकि ऐसा अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो 14 फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी, जो कि 2015 से 20 के लिए रेकमेंडेशन देखे गया, उसने कितना कहा था, 42%, मतलब 100 रुपये यूनियन गवर्नमेंट ने कमाए टैक्स में, तो उसमें से 42 रुपीज स्टेट्स को देने होंगे। फिर 15 फाइनेंस कमीशन, उसने कहा 41 रखो, ऐसा क्यों, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख वो अब यूनियन टेरिटरी बन गए, तो मतलब केंद्र सरकार उसका जिम्मेदारी बढ़ गई, तो वो 1% इस हिसाब से केंद्र के हाथ में रखे तो बेहतर होगा। खैर, अब ये एनके सिंह चेयरमैन 15 फाइनेंस कमीशन के, उनकी 2 रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट उन्होंने दी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए, ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट वो Win20 सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, वो 5 मई 2020 में पढ़ा था। क्या अभी काम का है, द आंसर इज यस, ये सब कंटेम्पररी इशू हैं, ये काम के ही हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट तो ये वाली दे, देखिए असल में कायदे से कहें तो इनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025, लेकिन 2 रिपोर्ट दी है। पहली रिपोर्ट ऐसे बनाई है कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, मतलब 1 साल के लिए, और अभी दूसरी रिपोर्ट बनाई है, सेकंड रिपोर्ट, दैट इज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, और वो पार्लियामेंट में फेब्रुआरी 2021 में रखी। तो ये जो नया डेवलपमेंट आया, पिछले साल का रिपोर्ट तो पढ़ चुके हैं, अभी ये जो आया ये हम अभी पढ़ रहे हैं इन Win21 सीरीज।
अब इसमें नया क्या है भाई, मोर और लेस द सेम थिंग्स। जहां तक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात है वो तो सेम टू सेम ही है। नई चीज कुछ ये है कि हेल्थ की ग्रांट दिए गए, लोकल बॉडीज के ग्रांट और ये वो में कुछ थोड़े बहुत कम ज्यादा सुधार किए जो अभी हम पढ़ेंगे। सो रिपोर्ट वन इज ऑलरेडी कवर्ड, रिपोर्ट टू वी आर कवरिंग टुनाइट। ऑलराइट, तो ऊपर सपोज यूनियन गवर्नमेंट को ये इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम, एक्साइज, CGST ये सब में कुल मिलाकर 100 रुपये उन्होंने कमाए, जिसमें से फाइनेंस कमीशन कहता है 41 रुपीज आपने स्टेट्स को देने हैं। तो प्रश्न ये होता है कि ये 41 रुपीज में से गुजरात को कितना मिले, केरला को कितना मिले, बिहार को कितना मिले। उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, क्षैतिज कर अंतरण। तो वो लास्ट ईयर रिपोर्ट वन में जो था, रिपोर्ट टू में भी वही है, तो वो फॉर्मूला सेम टू सेम है। सो नाउ स्टार्ट्स माय क्वेश्चन, क्योंकि ये हम पहले पिछले साल पढ़ चुके हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो सब भी आपने तैयार करके रखना है। फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव बीन गिवन वेटेज इन द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। ये अलग अलग चीज है, उसको इंक्रीजिंग वेट में छोटा वजन ज्यादा वजन इस हिसाब से आप रखिए। टैक्स एफर्ट, कर प्रयास, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसंख्यिकी प्रदर्शन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, वन पारिस्थिति, एरिया, क्षेत्र, और फिर आपके ये सब ऑप्शन, और आपका टाइमर शुरू होता है अब। एस के, साहिल, अभिनव, ख्याति, सुधीर, पूजा, रानी, दिनेश, विकास, ज्ञानंदा, लेखपाल, वेंकटेश, अरुण, अंशु, मनाली, निष्ठा, तान्या, प्रिंस, सूरज, पवन, आतिश, रितेश, हेमंत, अंकित, ये सब लोग फिर पलाश, रजय, दिनेश, हर्ष, अनुश्रव, सूरज, आदर्श, मोनीमॉय, सोना, कस्तुबेन, आदर्श, करेक्ट आंसर। इसमें करीब 19% को ये लगा, 29 को बी लगा, 23 को ये लगा, 28 को डी लगा। लेटेस्ट चेक भाई, ये विन 20 सीरीज पिछले साल हम पढ़ चुके हैं और मैंने अभी आपको बताया कि नया जो रिपोर्ट आया उसमें भी ये तो फॉर्मूला सेम टू सेम ही है। प्रश्न में पूछा क्या है आपको, ऊपर से 41 रुपीस दिए जाएंगे तो उसमें एक एक राज्य को कितना मिलेगा, केरला को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फार्मूला। और उसके ये सब कंपोनेंट थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं और यही सेकंड रिपोर्ट में भी सेम ही है। तो देखिए, अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करके पैसा डिवाइड करेंगे। टैक्स एफर्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के खुद के कुछ टैक्स होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू वगैरह। पहले कितना, सपोज 10 रुपये कलेक्ट करते थे, अब थोड़े सीरियस हो गए, सख्ती से कलेक्ट करते हैं। जो नहीं पैसा देगा उसको मतलब कुछ पेनल्टी लगाएंगे करके, सपोज वो 12 रुपये कलेक्ट करें, तो यानी कि उन्होंने अपना टैक्स एफर्ट बढ़ाया है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया हो तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा पैसा मिले, और जो फॉर्मूला होगी उसमें ये वाले इंडिकेटर को 2.5% वेट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला को कितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें कमी की जाए, तो जितनी ज़्यादा कमी करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस इंडिकेटर को इतना वेट दिया गया। फॉरेस्ट इकोलॉजी नाम से सीधे वन पर्यावरण कितना बेहतर है आपका। एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से तो स्वाभाविक है, उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा है, गुजरात का कम, तो गुजरात को कम पैसा मिले, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मिले, और उस हिसाब से इस इंडिकेटर को कितना वेट, 15%। पॉपुलेशन तो आबादी जहाँ पर ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में आबादी अगर गोवा से ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश को ज़्यादा पैसा मिले, इसको 15% वेट। एंड इनकम डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस मतलब आपका राज्य कितना गरीब है, वो पूरी कैसे गिनती करते थे सिखाया था 5 मई के लेक्चर में देखना। तो
उस हिसाब से जो ज़्यादा गरीब राज्य होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा अमीर राज्य होगा मान लीजिए केरला या गोवा उसे कम पैसा मिलेगा, और इस इंडिकेटर को हाईएस्ट वेज 45%। तो दीज आर द ऑप्शन, और हमने कम से ज़्यादा में जाना है, जिसको कम वेट है उसे पहले रखेंगे आप, और जिसको ज़्यादा मान लीजिए 10, 12, 25 इस तरह से आपने अरेंज करना है। हाँ, तो टैक्स एफर्ट को मैं 1 स्माइली दे रहा हूँ, मतलब इसको सबसे कम वेट है और बाकी सबके वेट उससे ज़्यादा ही हैं। तो ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाना था हमने, हमें इतना पता है सबसे ज़्यादा वेट किसको है, इनकम डिस्टेंस को, सबसे कम वेट किसको, टैक्स एफर्ट को। हाँ, तो ऐसा तो ऑप्शन कौन सा है जहाँ पर टैक्स एफर्ट आगे दिखे, वही जवाब होना चाहिए। सो द आंसर विल बी डी। सो इट इज नॉट लाइक यू आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज ऑल द इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, आपको थोड़ा लॉजिक कुछ लगा सकते थे, एरिया आगे होगा या पीछे होगा। तो जिन 28% लोगों ने इसे करेक्ट किया, बहुत बधाई। बाकी सब लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन शायद वो गलत इंटरप्रिटेशन में चले गए। यहाँ पर पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, जे बी ऑप्शन कितनों ने टिक किया था, मे बी 29%, वो शायद ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर गिरावट वाले कंफ्यूज हो गए। कई बार अपने दिमाग में बात सही होती है लेकिन जवाब गलत टिक होता है, तो हमेशा आदत रहनी चाहिए गलत ऑप्शन को उड़ाते जाओ ताकि गलतियाँ ना हो। तो आजकल चीज़ ये है कि आई वॉन्ट एवरीथिंग न्यू एंड शाइनी, पुराना जो पढ़ा दिया वो तो मतलब पुराना हो गया, नया क्या है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, ग्रेटेस्ट करंट अफेयर्स मुझे दिखाओ, मोबाइल फोन में लेटेस्ट मॉडल क्या है, भाई पुराना चल ही रहा है और वो भी इतना ही काम का ही है। सो द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट ईयर विन 20 सीरीज में, वो भी 2021 के लिए काम की ही है, उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे और ये सब जितने थीम्स हाईलाइट हुए मेंस के लिए भी काम किए। सो गो थ्रू दैट, मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइए, ये सब तो फ्री मटेरियल ही, आराम से आप इसका इस्तेमाल करें। लेटेस्ट न्यू एंड शाइनी रोज नया निकालो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तरीका यूपीएससी में आपको मदद नहीं करेगा। खैर, ये सब इंडिकेटर्स को डालेंगे हम लोग, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को जो भी 41 रुपीज़ आएंगे, मान लीजिए 41% के हिसाब से 100 रुपये मिल रहे होंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, यूपी, बिहार, एमपी, और एकदम कम किसको मिलेगा, तो मिजोरम, सिक्किम, गोवा को। तो ये तो एक बात हुई कि केंद्र सरकार को 100 रुपये अगर टैक्स में कमाई होती है तो उसमें से 41 रुपीज़ तो स्टेट्स को दे देने हैं, जो कि हमने समझा अभी टैक्स डेवोल्यूशन है, यानी यूनियन के पास 100 में से पैसा कितने बचे अभी, 59 रुपीज़ बचे। अब ये 59 रुपीज़ में से यूनियन गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सके, मिलिट्री बनाओ, स्टैचू बनाओ, जो करना है उसमें से भी, हालांकि ये जो 59 रुपीज़ हैं उसमें से भी यूनियन गवर्नमेंट चाहें तो कुछ पैसा अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, वगैरह वगैरह। सो दे कैन डू इट, और वो सब कौन डिसाइड करता है क्या पैसा डालना है, कितना देना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, एक बात हुई। सेपरेटली ग्रांट यानी अनुदान के रूप में ये 59 रुपीज़ में से भी कुछ पैसा नीचे दिया जाएगा, लोकल बॉडी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए, और फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा कि हाउ मच मनी शुड बी गिवन एज ग्रांट्स। ग्रांट का मतलब क्या, दान में, अनुदान में पैसा दिया, वो लोन नहीं है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना है ऐसा नहीं, बस उनको दिया कि आप लोकल बॉडीज, पंचायत का नया बिल्डिंग बनाओ वगैरह जो भी करना है। तो ऐसे होते हैं ग्रांट इन एड, अनुदान की रकम, जैसे लोकल बॉडी के लिए ग्रांट दिया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट दिया जाए, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिए जाए, जैसे हेल्थ के लिए, रोड बनाने के लिए वगैरह, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिए जाए, स्पेशल ग्रांट्स दिए जाए। अब इनमें ये सब अलग अलग ग्रांट का मतलब क्या होता है, तो जो पहला रिपोर्ट आया 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जो 5 मई 2020 के लेक्चर में कवर किया, बेसिक आइडिया इज सेम। रिपोर्ट 2 में क्या है, मोर ऑर लेस द सेम थिंग्स, खाली आंकड़े बदल जाएंगे कि अगले 5 साल के लिए इतने 1 लाख करोड़ दिए हैं वगैरह, तो वो वीडियो में आराम से वो सब देख लेना। नया डेवलपमेंट क्या है, तो सेक्टर स्पेसिफिक के नाम पर हेल्थ में कुछ ढेर सारा पैसा दिया, वो देखना है। तो हम लोग हैं कहाँ पर, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्रांट इन एड मतलब अनुदान में पैसा दिया, और उसमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स क्षेत्र पर, तो जैसे हेल्थ में पैसा दिया, तो हेल्थ में कितना पैसा दिया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा।
और इससे क्या करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अपग्रेड करेंगे, नए हॉस्पिटल बनाएंगे, ये डॉक्टर नर्स फिजियोथेरापिस्ट इन सब की ट्रेनिंग कौशल विकास करेंगे। अब इसके इंटरनल कंपोनेंट इसके लिए इतना वगैरह देंगे वो हैंडआउट में है, लेकिन नींद खोने की जरूरत नहीं कि उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना, ऐसा नहीं। वो दिया इसलिए ताकि आप जब लिखते हो तो आपके पास ज़्यादा वोकेबुलरी रहे। आप अगर एक लाइन में लिख दोगे हेल्थ के लिए 1,00,000 करोड़ दिए तो भाई 250 वर्ड्स भरोगे कैसे फिर, क्योंकि नए इकोनॉमिक सर्वे में भी सब बातें हैं कि वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस पब्लिक हेल्थ केयर बाय सम 2.5% या उससे ज़्यादा, तो आपने ये सब लिखना है। जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी होगी आप आसानी से वो वर्ड लिमिट फिल कर पाएंगे। हाँ, तो एक तो याद रखना 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये हेल्थ ग्रांट्स के रूप में दिए गए हैं। एडिशनल रिकमेंडेशंस बाय फाइनेंस कमीशन, उन्होंने ये कहा कि जैसे IAS IPS होता है उसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस होनी चाहिए। तो ये ऑफिसर मतलब डॉक्टर जैसे लोग होंगे, और फिर वो अलग अलग मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट की जो भी मेडिकल हॉस्पिटल हो या उसके ऊपर जो जो नए संस्थान बनाए जाएँ उन सब का काम देखे, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस वो सब सही से हो रहा है कि नहीं, दे में ऑब्जर्व सब थिंग्स। और दूसरा उन्होंने रेकमेंड किया यूनियन और स्टेट ने मिलकर हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको बढ़ाकर 2.5% ऑफ GDP करें बाय 2025। इसके बारे में और भी अपडेट्स हम देखेंगे पिलर 6 के अंदर। तो हम पढ़ रहे हैं 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, सब टॉपिक सेक्टोरल ग्रांट्स। एक तो हेल्थ याद रखना है क्या 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। उसी तरह अलग अलग दूसरे सेक्टर्स के लिए भी दिया है, जैसे एग्रीकल्चर, रूरल रोड, जुडिशियरी। मतलब राज्य सरकारों को पैसा दिया जाएगा कि वो ज़्यादा कोर्ट बनाए, ज़्यादा जजों की नियुक्ति करे वगैरह। एजुकेशन, तो ई लर्निंग के लिए पैसा दिया गया, नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज लॉन्च किए जाएँ, उसको ट्रांसलेट किया जाए प्रादेशिक भाषाओं में, उसके लिए पैसा देंगे। और फिर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, जैसे मान लीजिए गोवा या उत्तराखंड में लगे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना चाहिए तो उनको अलग से देंगे। उसी तरह हिस्टोरिकल कोई जगह हो, कर्नाटक में ये वाले सब किले हैं उसको डेवलप करना है, महाराष्ट्र में इन किलों को डेवलप करना है, उसके लिए पैसा, मॉन्यूमेंट के लिए पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे अलग अलग कुछ स्टेट स्पेसिफिक टूरिज्म मॉन्यूमेंट वगैरह के लिए पैसे दिए गए। अब इसमें भी मान लीजिए रूरल रोड में उनको 10,000 करोड़ दिए होंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे एक साथ मिल जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा होगा कि 8,000 करोड़ मिलेंगे और प्लस बाकी के 2,000 करोड़। इट विल डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस कि जो स्टेट जल्दी जल्दी रोड कंप्लीट करेगा उसको ये वाला पैसा मिलेगा, जो नहीं कंप्लीट करेगा तो उसको ये वाला पैसा नहीं मिलेगा। सभी अनुदान में कुछ ना कुछ अंदरूनी या आंतरिक कोटा है कि अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य को अधिक रकम मिले। अब कुछ स्टेट इसको पसंद नहीं करते कि ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कोई खैरात नहीं है कि आप इसमें सब परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और उसकी सब मसले हैंडआउट में ये सब दिया, आई थिंक पेज 70 के आगे होगा। आंकड़ों में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, एक आंकड़ा याद रखना है क्या हेल्थ के लिए 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है। नो नीड टू लूज स्लीप ओवर डेटा, वर्ल्ड एसोसिएशन पता होना ये सेक्टर के लिए दिया है। तो फिर इसमें कुछ ऐसा लिखा जाए कि 15 फाइनेंस कमीशन ने अर्बन रोड के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिया या स्मार्ट सिटी का सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिया तो गलत होगा, क्योंकि जो सेक्टर है वो मैंने आपको अभी बताया, उसे ये लोकल बॉडी, पोस्ट डेवल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह। अभी नए में तो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें, और पुराने वाले में हेल्थ न्यूट्रिशन की एक ही थी। तो चीज़ ये है, ये जो पुराना रिपोर्ट था उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन के लिए ग्रांट दी गई थी, जबकि नया सेक्टर है उसमें तो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए ग्रांट्स दी गई। तो इस बार न्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए नए रिपोर्ट में, सेकंड रिपोर्ट में ग्रांट क्यों नहीं दी, भाई वो उन्होंने प्रेस रिलीज में नहीं बताया तो हमने ढूंढने की तकलीफ नहीं ली। पिछले साल मतलब मुद्दा ये है रिपोर्ट 1 में न्यूट्रिशन कुपोषण के लिए पैसा दिया था अलग से ग्रांट बोल के, लेकिन ये जो रिपोर्ट 2 आया है उसमें ऐसा नाम नहीं लिखा है कि न्यूट्रिशन के लिए पैसा। सो सम पीपल गेट वेरी एजिटेटेड ऐसा क्यों है वगैरह। तो ढिंडोरा पीट के प्रेस स्टेटमेंट में जो नहीं बोला हो, हम खुद से गूगल सर्च करने नहीं बैठेंगे, इसकी फिर कॉलम आएगी देखो देखो नहीं दिया है करके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये सब हो रहा है और 500 जात के चले, वो भी हम करने नहीं बैठेंगे।
न्यूट्रिशन के क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके जेनेरिक मुद्दे पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे पिलर 6 में देखेंगे। हर चीज़ में मतलब घुस के PhD करना है, दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर UPSC। और हर चीज़ का मतलब नहीं दिया तो मैं गूगल सर्च करके खुद जवाब ढूंढूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर UPSC। इसके अलावा एक और फंड बताया गया, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड फॉर यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा देंगे। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पैसा किसको देंगे? सामान्य रूप से अब तक जितने ग्रांट दिए जाते थे वो किसको दिए जाते थे? स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये ऐसा है जो यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाएगा फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ये पैसा किधर रखेंगे? पब्लिक अकाउंट, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा एक नया कोष बनाया जाएगा। और नॉन लैप्सिबल प्रकार की ये चीज़ होगी। नॉन लैप्सिबल मतलब 31 मार्च को अगर पैसा खर्च नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं कि वापस से पार्लियामेंट से सब अप्रूवल लेने के लिए जाना पड़े। कॉन्ट्रोवर्सी ये रहती है कि ऐसे जो फंड बनाए जाते हैं नॉन लैप्सिबल, बिन व्यक्तिगत नीति, कि जब मर्जी जाए तब खर्च करना है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर पैसा वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री में किधर चले जाएगा। देन यूजुअली ऐसे नॉन लैप्सिबल फंड में मिनिस्ट्री वो पैसा तेजी से खर्च नहीं करती, सोते रहते हैं, फिर कभी उनको लगे मीडिया में कॉन्ट्रोवर्सी तो पैसा खर्च करते। सो देर शुड बी टाइम लिमिट इन स्पेंडिंग मनी, एक बात। और दूसरा, फाइनेंस कमीशन का काम है स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे, ना कि यूनियन गवर्नमेंट को। यहाँ पर ये यूनियन को देना है करके 2.38 लाख करोड़ रुपीज आर गिवन, सो देन स्टेट को उतना पैसा कम मिलेगा, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट इससे नाराज है। उसके बाद इन सब का कंक्लूजन और क्या होगा, अच्छा बुरा, वो सब हैंडआउट में दिया है, आराम से देख लेना। तो ये पहला मुद्दा फाइनेंस कमीशन, वो कंप्लीट। अभी आगे के मुद्दे टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, उसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके थे, कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं जो अभी हमको पढ़ने हैं, लेकिन वो एक फ्रेश माइंड से हम पढ़ें। तो पानी पी के मुद्दों के वापस आइए, 5 मिनट के बाद हम लोग इसे जारी रखते हैं। अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट नंबर 2 में जाने लायक क्या था हमने देखा। अभी आगे के मुद्दे ये टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, टैक्स ओम्बुड्समैन, टैक्स पेयर चार्टर, फिर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज हो रही है। तो ये मुद्दे क्या है, वैसे तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है और हमने फुल लेंथ कोर्स में सब पढ़ा था। टैक्स हेवन क्या होते हैं, हवाला ट्रांसफर, राउंड ट्रिपिंग, नॉन रेसिडेंट के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाई गई या कम की गई टैक्स लायबिलिटी के लिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, जीएआर, एंजल टैक्स और बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से मेरा ऐसा फुल लेंथ का प्लस कोर्स अनअकैडमी पे चलता है। नया कोर्स लॉन्च हो रहा है 15 जुलाई से। उसमें खास बात क्या होती है, रात को 9 बजे क्लास रहती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर्स एवरीवन कैन अटेंड। लाइव क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। उसमें भी इसी तरह के सारे कलरफुल पावर पॉइंट, अलग से सेपरेट हैंडआउट, तो पढ़ाई में रिवीजन में शांति रहे। और वीकली क्विज होती है। ऐसे सब क्विज देने का फायदा क्या है कि आपको तुरंत पता चले कि मुझसे ये गलत हुआ, बाकी 55% लोगों का करेक्ट हुआ, तो मैं रेस में अगर यहाँ पर ही पीछे हूँ तो पूरे भारत में जब कंपटीशन होगा तो मैं और पीछे रह जाऊँगा। तो वो डर पैदा करता है, सीरियसनेस बढ़ाता है कि मुझे अब ये टाइम पास कम करना है, व्हाट्सएप कम देखना है और पढ़ाई करनी है। सो यस, देर इज क्विज एवरी वीक, जो जो पढ़ा है उसमें से क्विज रहती। और साथ ही साथ आपको मिलता है हैंडआउट। हैंडआउट में खास बात क्या होती है, एक तो सब इमोजी ताकि तुरंत देख के याद आ जाए, अच्छा ये वाला टॉपिक था, अलग अलग जगह सब फोटोग्राफ्स, बैनर्स, इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स का हिंदी अनुवाद भी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी लाभांश वितरण कर, तो मीन्स आंसर राइटिंग जो हिंदी या मिलती जुलती प्रादेशिक भाषा गुजराती मराठी वगैरह में कर रहे हैं, इट कैन हेल्प यू। और ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने जो आपको बताया, विद इन वन सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार की तरह सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्स अनलॉक हो जाते हैं, दैट इज द एडेड बेनिफिट। और इनकी अभी एक महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। कुल मिलाकर बात यह है, सपोज आपने, आज तो 30 जून है, एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, थियोरेटिकली हम कहें तो जून 2022 तक। ऐसा सोच के आप लेंगे कि उस महीने में प्रीलिम होगी, क्योंकि यूजुअली मई जून में प्रीलिम होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगले साल भी प्रीलिम पोस्टपोन होकर अक्टूबर में चली जाए या अगस्त में चली जाए, तो क्या करेंगे, तो आपको उतने महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यू विल गेट एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। तो प्लस प्लस उतने महीने फ्री में आपको एक्सटेंड हो जाए, सब्सक्रिप्शन में और पैसा देने की जरूरत नहीं। तो एक ईयर का प्लान इस तरह मेंस 2022 तक और दो साल का प्लान मेंस 2023 तक वैलिड रहेगा। द डिस्काउंट कोड इज मुनाल.org। इसके अलावा ये सब स्कॉलरशिप टेस्ट, आप पहले से अच्छी खासी प्रिपरेशन करके बैठे हैं तो रविवार को सुबह 11 बजे वो टेस्ट दीजिए, अनअकैडमी पबजी कॉम्बैट, उसमें रैंक आए तो सीधा ही आपको ऐसे सब पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएंगे, और वरना भी बहुत सारे बड़े बड़े डिस्काउंट अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो बिग प्लस कोर्स है उसमें भी 80 टेस्ट होंगे और मेंस के भी अलग से टेस्ट, और वो सब पेड वाली चीज़ जो करीब 30,000 रुपीज़ के पेड टेस्ट हैं, वो भी सब वन ईयर सब्सक्रिप्शन में ये लोग फ्री में देने वाले। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अलग अलग बड़े बड़े टीचर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पवन कुमार, एंथ्रोपोलॉजी हिमा बिंदु वगैरह हैं, और वो सब भी आप एड ऑन के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और उसमें भी आपको डिस्काउंट वगैरह दैट इज गोइंग ऑन। फिर होता है आइकॉनिक मेंटरशिप, यानी अलग अलग यूपीएससी के प्रीवियस टॉपर्स, ऐसे लोग जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, उनको आपके कोच, पर्सनल कोच के रूप में असाइन किया जाए, ताकि आपको जो भी डाउट है, मेंस आंसर राइटिंग का इवेल्युएशन करवाना है वगैरह, भी आप उनसे फायदा ले सकते हैं। एंड अभी 20 अलग अलग बुकलेट्स भी ये लोग दे रहे हैं, देर इज सो पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक प्लस, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2021, 22 और 23 के लिए इनके नए नए बैच ऐसे आ रहे हैं। बायलिंगुअल भी है इंग्लिश में, संपूर्ण हिंदी में भी है, प्योर इंग्लिश के भी टीचर्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट विल गेट अनलॉक्ड विद जस्ट सिंपल सब्सक्रिप्शन, और डिस्काउंट कोड इज मुनाल.org। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% लेंगे, ये मुद्दा क्या है, लेट अस सी। पहले हमने समझना है कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स हेवन क्या होता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि 15% टैक्स लेने की बात क्या है।
भारत के अंदर कॉर्पोरेशन टैक्स का, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम कर, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाला ये टैक्स होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कितना होगा? 15% से लेके 40% हो सकता है। 15% कब? आपने वो 1 अक्टूबर 2019 या वो कुछ एक स्पेसिफिक तारीख के बाद नया कंपनी होगा तो कम टैक्स। 40% कब लगेगा? अगर कोई फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी को भारत में जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 40% कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। तो ये तो भारत की सिस्टम है। हम थोड़ा चले साउथ में, ये यहाँ पर कहीं मॉरिशियस है। मॉरिशियस में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है? हार्डली 0 to 3%। अब आपको लगेगा कि इतना कम क्यों है? वो इसलिए कम है क्योंकि तभी तो वहां पर कुछ इन्वेस्टर जाके कंपनियां खोलेंगे, अदरवाइज हु हैज द मोटिव टू गो देयर। और दूसरा कि 3% के हिसाब से भी उनको पैसा जो मिले तो डिस्ट्रिक्ट की साइज का तो देश है, तो उनकी तो चल जाएगी इकोनॉमी। और ऐसे करके जो भी फॉरेन बिजनेसमैन टूरिज्म के लिए आएंगे वो होटल में रुकेंगे, 10 लोगों को इधर उधर नौकरी मिले, टैक्सी ड्राइवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो दे आर हैप्पी विद दैट सिस्टम। भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, वेलफेयर स्कीम के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। सो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है कंपनी इनकम दिखाएगी, ट्रांजेक्शन लेन देन भी दिखाएगी, लेकिन टैक्स नहीं भरेगी। वो कुछ लीगल लूप होल का इस्तेमाल करेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि सपोज कोई मूवी भारत में बनाई जाए लेकिन वही मूवी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट सिर्फ 10 रुपये में मॉरिशियस में, या आप अपनी एक फर्जी कंपनी बना दो जिसे हम कहें शेल फॉर्म, पोस्ट बॉक्स फॉर्म, लेटर बॉक्स फॉर्म, मतलब कि आप वहां पर एक्चुअल बिजनेस प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आपने बस जैसे फेक ईमेल आईडी बनाते हैं लोग दूसरों को ट्रोलिंग करने के लिए, उसी तरह टैक्स इवेजन अवॉइडेंस के लिए आपने ऐसी फेक कंपनी बना दी। और बस फिर आपने अपने मूवी डिस्ट्रीब्यूशन जो भारत में बनाया हो फिल्म, उसके सारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट 10 रुपये में अपनी ही कंपनी को उधर बेच दो, और फिर वहां से आप उसको मिडल ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट करो, और भारतीय मूल के व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन पीपल, दे विल वॉच इट, और आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो सारा पैसा जाएगा किधर? वो सब जाएगा यहाँ पर मॉरिशियस में। और मॉरिशियस में टैक्स कितना लगेगा आपको प्रॉफिट पे? हार्डली 0 to 3%। भारत में जाता वो सारा पैसा तो कितना लगता? अराउंड 15% या उससे ज्यादा। सो दिस इज वन वे टू डू टैक्स अवॉइडेंस। फिर और क्या हो सकता है? तो ये ऐसी जगह पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, लैंकनस्टाइन, मॉरिशियस, मार्शल आइलैंड, केमेन आइलैंड, पनामा वगैरह, दीज आर नोन एज टैक्स हेवन, कर स्वर्ग, क्योंकि टैक्स बहुत कम है। ऐसा क्यों कम है? क्योंकि जियोग्राफिकली ये छोटे छोटे देश है, उनकी इकोनॉमी वायबल नहीं है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे तमाशे करते हैं। इसके साथ जुड़ा एक और भी कंसेप्ट है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंसिडर द केस ऑफ सम अमेरिकन मल्टीनेशनल फास्ट फूड कंपनी जैसे मैकडोनाल्ड। भारत में वो बर्गर बेचे और उसमें से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का पैसा मान लीजिए अमेरिका जाए, तो मैंने आपको बताया फॉरेन कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस पर भारत सरकार 40% कॉरपोरेशन टैक्स मांगती है। अब आप वर्ड पे गौर कीजिए, प्रॉफिट, मुनाफा, मुनाफे पर होगा। तो मान लीजिए ये बर्गर 100 रुपये में बेचा तो सरकार 100 रुपये का 40% नहीं मांग रही आपको, ये बर्गर बनाकर बेचकर मान लीजिए आपको 15 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उसका 40% मांगा जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि मेरा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट जीरो में दिखा दो, ऐसा कर सकते हैं। ये लोग करते हैं, ये फास्ट फूड कंपनी अपनी ही दूसरी शेल फॉर्म, लेटर बॉक्स फॉर्म वगैरह मॉरिशियस, लैंकनस्टाइन, ऐसे टैक्स हेवन में बना देगी, और फिर ऐसा दिखाएगी कि हमने उनसे लोन में पैसा लिया था, हमने ये बर्गर का सारा रॉ मटेरियल उनसे खरीदा है, ये इसके अंदर जो भी स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, मसाले डालते हैं वो उधर से हम करोड़ों रुपए में खरीद के लाए हैं, और ऐसा करके अपना सारा एक्सपेंडिचर वहां बेच देंगे। और मैंने आपको बताया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो उस हिसाब से प्रॉफिट कुछ दिखेगा कि आपका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस में आप सब दिखा देंगे कि मेरे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, सो यू विल शो जीरो प्रॉफिट। अभी वैसे जीरो प्रॉफिट दिखाओ तो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, देर इज अ सेपरेट कंसेप्ट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उस हिसाब से 15% देना होगा, लेकिन फिर भी ये लोगों ने 40 तो नहीं दिए, 15 ही दिए, तो बचाए कितने? दे मैनेज टू सेव मोर अमाउंट ऑफ मनी, 35%। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, और उसे हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग।
फर्जी कंपनी बना के खर्चे शून्य दिखाकर मुनाफा शून्य करो ताकि बड़े टैक्स से बच सको। इससे लड़े कैसे? देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत इसका मेंबर नहीं है अभी, लेकिन इन लोगों ने एक ट्रीटी बनाई है फॉर दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और भारत ने भी उसको साइन किया है ताकि हम सब डेटा शेयरिंग करेंगे और सब पता रहे कि ये क्या बदमाशी हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक सम एक्शन। तो OECD संस्था और ब्रेज इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कुछ बार ये भी होता है कि मान लीजिए देर आर थ्री कंट्री, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, और ये लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक करने के लिए आपने सब टैक्स बेनिफिट देने होंगे, तो आपस में इसकी स्पर्धा के चलते सपोज ये टैक्स हेवन नहीं भी बनना चाहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉम्पिटिशन ये क्या करें, ये कंपनी, ये लोग कोलंबिया बोले 15% टैक्स रखते हैं, इक्वेडोर बोले 12% टैक्स रखते हैं, पेरू वाले की फॉरेन इन्वेस्टर इधर आ जाओ हम लोग सिर्फ 7% टैक्स मांगेंगे। तो ऐसा जो कॉम्पिटिशन चलता है इसके चलते भी ये लोग भाव मतलब टैक्स के सब रेट खराब कर रहे हैं। सो देन व्हाट इज द सोल्यूशन? उसके लिए G7 ग्रुप कुछ ग्लोबल मिनिमम टैक्स की कंसेप्ट लेकर आया। उसे पढ़ने से पहले ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G7 ग्रुप। जापान इज नॉट अ मेंबर, जापान इसका सदस्य नहीं है। रशिया इज नॉट अ मेंबर, रशिया इसका सदस्य नहीं है। 2021 समिट वॉज हेल्ड इन UK, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसकी लेटेस्ट समिट हुई थी। और आपके ऑप्शन ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1, 3, या तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। दरा, नसीर, रणवीर, अमन, लेखपाल, हिमांशु, कस्तुभ, सोनक, मंटू, सुशांत, अरुण, दानिश, अमृता, ज्ञानंदा, संगीता, शिखा, शुभम, अर्जित, अभिज्ञान, अमित, अक्षय, शुभम, मानसी, देवाशीष, गोलू, निहारिका, प्रीतेश, उत्कर्ष, ये सब लोग, फिर पलाश, रजय, दिनेश, हर्ष, मोनिमय, सौनक, कस्तुब, दरा, सुरभि, ज्ञानेंद्र एंड आदर्श करेक्ट आंसर्स। करीब 60% लोगों को लगा बी शुड बी द आंसर। लेट अस चेक। G7 में कौन कौन है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, कैनेडा, जापान। तो जापान है, रशिया नहीं है। रशिया एक ज़माने में था, तब हम इसको कहते थे G8 ग्रुप, लेकिन फिर वो यूक्रेन में से इन्होंने क्रीमिया नाम की जगह पर अपना कब्जा जमा दिया पुटिन ने, तो ग्रुप से निकाल दिया, तो अब G7 ही बचा। सो जापान इज़ नॉट अ मेंबर वो गलत वाक्य हो गया, रशिया इज़ नॉट अ मेंबर वो सही बात है, और G7 की लेटेस्ट समिट UK में हुई वो सही वाक्य है। सो द करेक्ट आंसर इज B, 2 and 3। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में बेस्ट सेलिंग ऑथर पवनीत सिंह, वो भी अब पहले बाजीराम में पढ़ाते थे, नाउ ही हैज ज्वाइंड अन एकेडमी, उनका भी 1 जुलाई मतलब कल से इंटरनेशनल रिलेशन पर फुल लेंथ कोर्स हो रहा है, जो सब मैंने आपको बताया। दिस इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, एक सब्सक्रिप्शन में सब अनलॉक हो जाता है। कूपन कोड इज munal.org। इसके अलावा ये अन एकेडमी की एक चैनल है UPSC आर्टिक्यूलेट, उसके अंदर ये पवनीत सिंह ने बहुत सारे फाउंडेशनल मटेरियल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 6, 7, 10 क्लास उसने अरेंज की है। ये सब तो फ्री में ही है, तो आप ये चैनल पे जाइए और एक तरफ वो ऐसा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें सर्च करो पवनीत सिंह इंटरनेशनल रिलेशन, और आपको ये सब मिलेंगे, आराम से सुनते रहो। इससे फ़ायदा क्या होता है, वोकेबुलरी डेवलप होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो बोल बच्चन करनी हो तो अपने पास माल रेडी हो, यू कैन ईजिली कवर दैट। सो दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। अभी ये मैं पढ़ा रहा था, मुझे बीच में कुछ और याद आ गया, इधर मैंने 35 कर दिया, असल में गलती है मेरी गिनती की। ठीक है, 15, 25, 5 और 5, 10, 1, 4, 40, तो असल में 25 इज करेक्ट, यानी कैलकुलेशन गलत हो गया। तो इससे सबक क्या लेना है, सी सेट पेपर 2
ये गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ पेरिशेबल स्किल। आप रोज कैलकुलेशन करेंगे तो आप शार्प रहेंगे, तो आपको तुरंत दिख जाएगी कि नहीं सर आप इधर 35 लिख रहे थे बट इट शुड बी करेक्ट 25 बराबर है। तो अभी से क्या सी सेट पेपर टू की तैयारी करूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि ये पेरिशेबल स्किल है। ये ऐसी बात है कि जो निशानेबाज है वो रोज शूटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा तो निशाना उसका गलत होने जाएगा। सो सपोज अवर प्रीलिम एग्जाम इज इन अक्टूबर, अभी अपना कौन सा जून जुलाई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आप समझिए आपको कितना तैयार करना है सी सेट पेपर टू, उस हिसाब से आप पेसिंग करो कि मैं सितंबर से लेके बैठूंगा या अगस्त से लेके बैठूंगा। क्योंकि बीच में अगर आप ऐसा करेंगे जुलाई में सारा मैथ्स कंप्लीट कर दोगे, फिर अगस्त सितंबर में कुछ नहीं पढ़ोगे और अक्टूबर में वापस, देन अगेन यू विल गेट स्लो। वैसी गलतियां जो मुझसे अभी हुई आपसे भी होंगी। तो उसे प्रीलिम के मतलब जितना कम समय हो तब आपने उस गिनती के साथ शुरू करना चाहिए, डिपेंडिंग कि आप कितने कमजोर हैं। तो 3 महीने से 4 महीने पहले से या 2 महीने पहले से, या बहुत ही मैं तो जोरदार हूँ बैंक की परीक्षा के कट ऑफ्स मेरे क्लियर हो गए तो 1 महीने से, सो लाइक दैट यू डू दैट। अब हम बात कर रहे थे G7 ग्रुप। G7 ग्रुप का समिट 2021 का कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुआ। अब ये इधर हुआ तो वो UNFCCC का किधर होने वाला है, यहाँ पर ही या कहीं और, वो सब MCQ में देख लेना। यहाँ पर बात ये हुई कंपनीज नीड टू पे टैक्स इन कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस। ये कई बार गूगल वगैरह क्या बहाना बनाते हैं कि इंडिया में हमने एडवर्टाइजमेंट दिखाए वो एडसेंस और यूट्यूब में, लेकिन हमारा सर्वर तो सिंगापुर में है तो हम यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे, ये तो ग्लोबल सर्वर पे ग्लोबल सर्विस है। तो वो सब बहाने नहीं चलेंगे, कंपनीज नीड टू पे टैक्स इन द कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस। जहाँ पर धंधा व्यापार कर रही है उस देश को कर देना होगा, और कितना कर देना होगा तो बात ये चल रही है ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क 15%। यानी बात ये है कंपनियों के मुनाफे पर प्रॉफिट पर लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर कम से कम 15% होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये सब देश अब अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी कैनेडा जापान खाते पीते हैं, इटाली उसकी अपनी प्रॉब्लम्स चलती है तो इकोनॉमी उनकी इतनी जोरदार नहीं है। सो सपोज इटाली भविष्य में ये करे कि हम सिर्फ 7% ही कॉरपोरेशन टैक्स रखेंगे, सब फेसबुक गूगल बायो आके मेरे कंपनी अपने हेडक्वार्टर यहाँ पर लगा दो, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन सब लोगों ने बोला 15% मिनिमम टैक्स होना चाहिए कंपनियों के प्रॉफिट पे। सो लाइक दैट आपस में जो एक दूसरे का काम बिगाड़ते थे वो कम हो जाएगा, और भविष्य में इसको और एक्सपांड करते करते दे विल ये जो इन पास द कंट्रीज एंगेज इन टैक्स रिडक्शन रेस टू अट्रैक्ट FDI इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने कर कम करते थे, वो स्पर्धा अब थोड़ी कम होगी। भविष्य में ये हो सकता है इस ट्रीटी का स्पान बढ़ा जाए, अभी तो 7 ही देश हैं, फिर इसको और बढ़ाकर और देश इसमें सिग्नेटरी बन जाए, या इसकी मदद से कुछ इंटरनेशनल कानून बनाया जाए और फिर ऐसे लॉ सूट जाके कहीं पर दर्ज किए जाएं, या फिर ये जो टैक्स हेवन है मॉरिशस वगैरह उनको आम ट्विस्ट किया जाए, मतलब थोड़ा दबाकर कि तुम ये करो वरना हम तुम पर ये सैंक्शन लगा देंगे या कुछ पेनल्टी लगा देंगे। सो लाइक दैट इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। अब वो असल में कैसे होगा ये टॉपिक अभी भी डेवलप हो रहा है, तो जब ये थोड़ा और डेवलप हो जाएगा वी विल रिविजिट दिस कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि अपनी मेन्स एग्जाम कब है, जनवरी 2022 में। सो बिफोर दैट अगेन व्हाट न्यू डेवलपमेंट्स आर देयर वी विल सी। तो ये एक मुद्दा ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अभी आगे के मुद्दे हैं ये टैक्स इवेजन और उसमें क्या क्या नए डेवलपमेंट। जब भी कैश ट्रांजेक्शन होता है तो आप जानते हैं उसको छुपाना आसान है और फिर आप टैक्स न भरें तो ब्लैक मनी जनरेट होता है। इसे लड़ने के लिए 2017 बजट में देयर वेर सम रिस्ट्रिक्शन कि सपोज आप एक बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा पैसा आप कैश में नहीं दे सकते, वरना आपने सपोज इसको 3 लाख दिया होगा तो सारा 3 लाख रुपया इनकम टैक्स वाले पेनल्टी में ले लेंगे और सामने और सजा करें वो अलग। तो मतलब कैश ट्रांजेक्शन पर प्रोहिबिशन, 10-20 हज़ार हो तो करो, 2 लाख या उससे ऊपर की रकम है तो प्रोहिबिशन थे। लेकिन साथ ही तो फिर आपको प्रश्न हो तो वो पैसा इसको मैं पे कैसे करूँ, मान लीजिए मुझे 12 लाख का मकान खरीदना हो, भाई चेक नेफ्ट RTGS वगैरह से आप ट्रांसफर कीजिए, उससे फ़ायदा क्या है, सर्वेलेंस हो सकता है,
इनकम टैक्स विभाग ये सब डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नजर रख सकता है, तो किसने कितना टैक्स भरा सब ढूंढना आसान है। अब नया प्रॉब्लम ये आया था कि कोरोना में आप जानते हैं हॉस्पिटल में कुछ जगह लूट मची है, और फिर आपको सीधा ही 3-5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हो, और कई बार ये होता है इंटरनेट बंद है, ये साइक्लोन बीच में आया था तो ये इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट सब बंद था, कुछ बार ये होता है सब ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, या फिर कि घर में जो सपोज फादर ही बीमार हो गए, जिनको सब चेक पे साइन करना या नेट और ऑनलाइन का सब यूजर नेम पासवर्ड था उनके पास, लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर पे, तो बाकी के परिवार वो तो कैश में ही पैसा शायद दे पाए, सो इन दैट केस ये सब में परेशानी नहीं हो, इसलिए सरकार ने ये जो 2 लाख वाले रिस्ट्रिक्शन था उसमें छूट दी है। अगर कोरोना ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल को कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सब से इनकम टैक्स आपको विभाग परेशान नहीं करेगा, ये एक बात हुई। दूसरी एक चीज होती है विवाद से विश्वास, वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इसके बाद के मुद्दे के लिए इसको समझना जरूरी है। विवाद से विश्वास ये था, मान लीजिए टैक्स ऑफिसर अजय देवगन ने ताऊजी के घर पे रेड की और पता चला ब्लैक मनी 2 नंबर का पैसा है, तो वो जो भी रकम होगी उस पर वो टैक्स मांगे, मान लीजिए 100 रुपए, फिर आपने टैक्स नहीं भरा छिपाया था तो पेनल्टी लगेगी 50 रुपए, और फिर आपने मान लीजिए 5 साल से लेके अब तक नहीं दिया तो उस पर ब्याज चढ़ेगा, मान लीजिए ऐसा 30 रुपया देना है, करके आपको 180 रुपीज देने हैं। अब वैसे तो ऐसे जो भी ऑर्डर होंगे उस पर ताऊजी जाके इनकम टैक्स कमिश्नर पे अपील करेंगे, उधर उनको न्याय नहीं मिले तो ऊपर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उधर भी न्याय नहीं मिले तो हाईकोर्ट जाए, उधर भी न्याय नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ऐसे चक्कर में लाखों करोड़ों के केस सब लटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार जाएगा वो पार्टी ऊपर जाएगी, इधर जो हार जाएगी वो पार्टी इधर जाएगी, उधर जो हार गई वो पार्टी इधर जाएगी। हार के ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि किसी को इतनी सारी मोटी रकम नहीं पे करनी है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास पहले बिल बना फिर कानून, उसमें बात ये थी ऐसे सब अलग अलग केस में अगर ये लोग इस पूरी लिटिगेशन प्रोसेस से बाहर आ जाए, मतलब ये टैक्स ऑफिसर और ये ताऊजी कि चलो कोर्ट के बाहर समाधान करते हैं, लेट अस सेटल दिस मैटर आउटसाइड द कोर्ट, ऐसा अगर होंगे एंड सपोज ताऊजी अग्री कर जाए कि मैं ये 100 रुपये भरता हूँ तो ये पेनल्टी 50 और उस पर ये जो सब ब्याज मांग रहे इंटरेस्ट वो माफ़ी हो जाएगी, सो इंस्टेड ऑफ 180 यू मे हैव टू पे ओनली 100 रुपीज। तो ये क्या हुआ, विवाद था पहले, अब विश्वास से काम सेटल किया। लेकिन इसकी एक डेडलाइन थी कि ये वाली तारीख मान लीजिए 31 मार्च 2020 या जो भी के लिए ही ये स्कीम वैलिड थी, उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में ये नहीं है, देर वॉज सम डेडलाइन, उसके बाद ये बंद हो गया। तो फिर बजट 2021 में सरकार ने सोचा ये कंटिन्यूस बेसिस पर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, दिस फैसिलिटी ऑफ सेटलिंग द मैटर आउटसाइड कोर्ट, कोर्ट के बाहर समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए हमेशा के लिए, तो उसे कहा जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी यानी DRC। वो क्या करेगी, वो ऐसी समिति है, एक तो आपके पास सपोज आपको नोटिस मिला इनकम टैक्स विभाग का कि मान लीजिए 10 लाख का टैक्स भरो, तो आप इधर अपील में जाएंगे, ऊपर अपील में जाएंगे, ऊपर अपील, मान लीजिए आप नहीं जाना चाहते और आपको लगता है मेरी भी थोड़ी गलती थी तो मैं थोड़ा कम पैसा देकर मैं निकल जाऊँ, सो इन दैट केस यू कैन अप्रोच द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। नाउ डिपेंडिंग ऑन द केस, या तो सपोज वो आपको ये 10 लाख में से रिड्यूस कर देंगे, या उनको लगे पूरी नोटिस ही गलत है तो 0 वेव भी कर देंगे कि आपको कोई टैक्स नहीं भरना, ये आपको गलत नोटिस भेजा गया था, दे कैन इवन गिव यू इम्यूनिटी फ्रॉम एनी ऑफेंस, मतलब जेल नहीं जाना होगा हम आपको ये वाले केस में माफी देते हैं वगैरह। एक इसके लिए विजय माल्या के लिए है, मुकेश अंबानी के लिए है, नहीं, दिस इज मेंट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए तक और डिस्प्यूटेड नोटिस जो आया वो 10 लाख रुपए तक का हो, वो इन कमिटी के पास जा सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर्स वी डोंट हैव टू रिमेम्बर, हमने ये रिमेम्बर रखना है कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, मुकेश अंबानी विजय माल्या साइज के लोगों के लिए ये नहीं है, सो दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। एक और भी मुद्दा चल रहा है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स पूंजीगत लाभ कर क्या होता है, आपने अपना मकान बेचा, फैक्ट्री बेची, शेयर बॉन्ड बेचे, उस पर जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स मांगे, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये जो केन एनर्जी कंपनी, उसने दूसरी कंपनी को कुछ खरीदा या अपने शेयर्स कहीं ट्रांसफर किया, XYZ केस क्या था हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उसमें भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग उनसे कुछ टैक्स मांग रहे थे, तो ये लोगों ने वो टैक्स तो दिया नहीं और जाकर नेदरलैंड में एक आर्बिट्रेशन कोर्ट में शिकायत की
कि हमें परेशान किया जा रहा है। और उस आर्बिट्रेशन कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि भारत सरकार ने केन एनर्जी को इतना जो टैक्स हैरेसमेंट किया, उत्पीड़न, उसके लिए $1.2 बिलियन देगी। तो भारत सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। अब ये जो केन एनर्जी कंपनी है, उन्होंने ये सोचा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले, तो ये जो एयर इंडिया के एरोप्लेन, मतलब एक प्रकार से सरकारी कंपनी के एरोप्लेन, अमेरिकन एयरपोर्ट पे अगर पार्क हुए हो तो हम उसको जब्त कर लें, उसकी नीलामी हो और हमें ये पैसा मिले करके ये पूरा मैटर चल रहा है। बट इट इज ऑल्सो स्टिल डेवलपिंग, तो जब फाइनल स्टेज पे आएगा तो हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, अदरवाइज वी विल नॉट वेस्ट टाइम। ऐसे एक जमाने में वोडाफोन का भी केस चलता था लंबा चौड़ा, हज वोडाफोन डील, कौन सा यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया, ये वोडाफोन केस आई थिंक हैपन इन 2007, ये कौन सा है 2021, 14 साल हो गए, कौन सा प्रश्न आ गया, कोई प्रश्न नहीं है। इस टाइप के प्रश्न ये सब एमबीए फाइनेंस टाइप की चीज नहीं पूछते हैं, और एकदम टेक्निकल आईआरएस एंड इनकम टैक्स भी नहीं पूछते हैं, सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स हैरेसमेंट, कर उत्पीड़न कम होना चाहिए, लोगों की परेशानी कम होनी चाहिए। उसके लिए क्या क्या है, कुछ तो चीजें हम पढ़ चुके थे कि एप्स पोर्टल बने, प्री फिल्ड फॉर्म होंगे ताकि सीए को हर चीज पूछनी नहीं पड़े, आपका बैंक बैलेंस क्या अपने आप डेटा वो निकाल लेगा और भर देगा अंदर, फेसलेस असेसमेंट वगैरह हो, रेड कौन ऑफिसर कहाँ करेगा वो लॉटरी सिस्टम से तय होगा, ताकि एक ही ऑफिसर एक ही जगह घूमता रहे तो फिर नेक्सस हो जाएगा, ब्राइब डिमांड करेगा। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर वो क्या था, विन 20 सीरीज में देख लेना, ये सब तो हो गया। नया क्या है, टैक्स चार्टर एंड टैक्स ओम्बड्समैन, उसमें डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये जो टैक्स हैरेसमेंट की बात है, अब फॉर एग्जांपल हमने आगे देखा एक मुद्दा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मतलब क्या, सरकार ने सोचा हो कि मान लीजिए हमको 6 लाख करोड़ रुपए जीएसटी में मिलना चाहिए लेकिन असल में 5 लाख करोड़ ही आए क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो फिर उस केस में टारगेट खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ बार ऑफिसर्स जानबूझ के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, दे विल डिग आउट वेरी ओल्ड केसेस। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपके बॉस ने आपको जो सैलरी दी हो उसमें कुछ पैसा कैश में या उसका टीडीएस काटा नहीं काटा, और फिर अब आपको नोटिस भेजा जाएगा कि 5 साल पहले वो इनकम आपका मैच नहीं हो रहा है तो अब जाके पेनल्टी भरो, करके पुराने पुराने मुर्दे उखाड़ के परेशान किया जाता था। तो पहले ऐसे 6 साल पुराने मैटर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। नए बजट में ये कहा कि 3 साल से पुरानी ऑर्डिनरी टैक्स असेसमेंट की कोई मिसमैच निकलेगी कि मान लीजिए आपने सैलरी इतनी दिखाई 10,000 लेकिन आपके बॉस ने टीडीएस काट कर जो सैलरी दिखाई उसके अकाउंट में 20,000 बोलती है तो आपको नोटिस मार के परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर 3 साल से पुराना कुछ मिसमैच दिखता है। सो यू डोंट नीड टू लिव इन फियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले 6 साल तक ऐसे पुरानी चीज निकाल के परेशान करते। सामान्य किस्म के कर निर्धारण, कर विसंगति के मामले में पिछले 3 साल तक का ही मामला खोला जाएगा, उसके पुराना होगा तो आपको माफी, कुछ परेशान नहीं करें। मान लीजिए कोई सीरियस टैक्स फ्रॉड हो, सीरियस मतलब जहां पर मैटर 50 लाख या उससे बड़ी हो, यानी छोटे टैक्स पेयर नहीं बड़े ये वीएमआलए टाइप के लोग, तो फिर 10 साल पुराना भी मैटर अगर कुछ मिसमैच का दिखे देन दे विल गो एंड इन्वेस्टिगेट। हालांकि उसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो बड़ा आईआरएस ऑफिसर होता है उसकी परमिशन लेके विभाग डिपार्टमेंट ये सब मैटर खोलेगा। अब यहाँ पर हमने ये 6 साल और 10 साल और 3 साल और 10 साल ये याद नहीं करना है, हमने दिस फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हमने मेन आंसर राइटिंग में ये लिखना है व्हाट स्टेप्स हैव बीन डन टू रिड्यूस द टैक्स हैरेसमेंट, कर उत्पीड़न कम करने के लिए क्या किया। तो भाई गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द टाइम लिमिट टू ओपन इन्वेस्टिगेशन इन ओल्ड मैटर्स, एक लाइन कम होता है लेकिन समझना था, हमने समझ लिया। उसी तरह सपोज आपने अपने सब इनकम टैक्स फॉर्म में लिखा हो कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये, आपके बॉस ने जो अपना फॉर्म वहां पर अपलोड किया वो ऐसा लिखा हो कि मैंने इस आदमी को 15,000 रुपये दिए, तो फिर मिसमैच निकलती है, तब ऐसे सब नोटिस आते हैं। अब नोटिस आपको आ भी गया तो रूबरू आपने जाना नहीं है ऑफिस में, फेसलेस असेसमेंट आप ऑनलाइन ईमेल से टाइप करके जवाब अपना अपलोड करेंगे, ऐसी सिस्टम आ गए। फिर सपोज फिर भी आपका जवाब नहीं माना जाए और आप पर कुछ पेनल्टी लगे कि आपने सपोज 1 लाख रुपये भरने हैं, तो आप अपील में जाएंगे, इनकम टैक्स कमिश्नर अपील, इनकम टैक्स अपील, ट्रिब्यूनल अपील, वो अपील में भी रूबरू नहीं जाना है, फेसलेस अपील मतलब ऑनलाइन सब काम होगा, ऑनलाइन सब जवाब भेजेंगे सामने आपको, फिर एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा एंड सो फॉर। तो फेसलेस असेसमेंट एंड अपील सिस्टम है, इसका ये सेंटर है वगैरह ठीक है पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर है, ये मुद्दे किधर काम के,
ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2021 में दिया था, हमने जान लिया, पहले भी पढ़ा था। कुछ बार आपको पूछा जाए ई गवर्नेंस मॉडल एंड एप्लीकेशन, तो कुछ लोग GCPT वही बातें लिखते हैं, PDS राशन की दुकान में ये करेंगे, भाई ये सब भी ई गवर्नेंस ही है, फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील ई गवर्नेंस ही है, तो ये सारे मुद्दे भी मेंस आंसर राइटिंग में लिखने हैं। ये सब तो था ही, एक और मुद्दा आया सिटीजन्स चार्टर। सिटीजन चार्टर पिछली बार भी पढ़ा था, लेकिन इसका असल में चार्टर अभी बना है, तो एक बार देख लेते हैं। नागरिक अधिकार पत्र, सपोज आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाके स्पीड पोस्ट में लेटर डाला, तो नागरिक अधिकार पत्र ये कहता है कि 5 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, नहीं होती तो इनकी वेबसाइट पे कंप्लेन करो, फिर भी सोल्यूशन नहीं आता 90 डेज तक, तो ये पोस्ट मास्टर जनरल को कंप्लेन करो, जिसका ये कुछ फोन नंबर है, वो भी आपका मैटर सॉल्व नहीं करता, तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को कंप्लेन करो, मान लीजिए ये इसका फोन नंबर है, तो ऐसा सब लिख के दिया जाए, दिस इज द वे टू एड्रेस द ग्रीवांस, शिकायत निवारण की ये व्यवस्था, उसे हम कहते हैं सिटीजन चार्टर। ऐसा इंग्लैंड में टैक्स चार्टर भी बना, और फिर भारत में भी सिटीजन चार्टर तो बना, टैक्स पेयर चार्टर बनाने की बात हुई। कुल मिलाकर बात यह है कि सपोज आपको कोई इनकम टैक्स ऑफिसर परेशान कर रहा है, तो आप शिकायत कीजिए ये वाले नंबर पर, और इतने दिनों में निपटारा होगा, जब ऐसा कहा जाए दैट इज द टैक्स पेयर्स चार्टर। तो ये टैक्स पेयर्स चार्टर जो रिलीज किया गया, उसके सेलियंट फीचर क्या है वो हैंडआउट में दिए हैं पेज 80 पर, ये मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, क्योंकि दो कारण है, सब स्वयं स्पष्ट है, पढ़ के कुछ समझ में आ जाए कि वी विल प्रिज्यूम दैट यू आर अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर, वी विल ओनली कलेक्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, वी विल रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी वगैरह वगैरह। तो 20 मिनट पढ़ के आप खत्म कर सकते हैं, 40 मिनट वीडियो नहीं खींचना, और उसका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, हाँ टैक्स पेयर चार्टर आएगा कि दूध की नदियां बहेंगी, तो वो भी हैंडआउट में कंक्लूजन दिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी। आगे हम पढ़ चुके हैं RBI में बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, फिर वो कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ओम्बुड्समैन, NBFC का ओम्बुड्समैन, फिर वो सबको वन ओम्बुड्समैन वन नेशन, ऐसा कुछ कंसेप्ट, वो सब पिलर वन में हमने पढ़ा था, देख लेना। टैक्स का भी ओम्बुड्समैन होना चाहिए, तो उससे एक मेंस का मॉक क्वेश्चन बनाते हैं, मेंस पेपर 2 गवर्नेंस, मेंस पेपर 3 बजेटिंग। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स पेयर्स चार्टर एंड टैक्स पेयर्स ओम्बुड्समैन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। कर प्रबंधन में करदाताओं के अधिकार पत्र और कर लोक प्रहरी या कर शिकायत निवारण अधिकारी के महत्व की चर्चा कीजिए। तो जो अधिकार पत्र था चार्टर वो तो दे दिया और उसका कंक्लूजन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज कि कोई टैक्स ओम्बुड्समैन होना चाहिए, मतलब आपको इनकम टैक्स ऑफिसर परेशान कर रहा है तो आप इसको जाके कंप्लेन करो और वो आपको न्याय दिलवाएगा। ऐसा हमको क्यों पढ़ना है, ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अंदर Volume 2 के अंदर Chapter 2 में ऐसी सब बातें, टैक्स ओम्बुड्समैन यानी शिकायत निवारण अधिकारी, टैक्सेशन के मामलों का शिकायत निवारण अधिकारी। अजय देवगन रेड करे और तावजी को कंप्लेन करनी हो कि ये टैक्स ऑफिसर मुझे हैरास कर रहा है, आई वांट टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट हिम, तो क्या सिस्टम थी? 2003 में डायरेक्ट टैक्स ओम्बुड्समैन सिस्टम थी, फिर 2011 में इनडायरेक्ट टैक्स ओम्बुड्समैन, मतलब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, उस जमाने में जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसमें कोई ऑफिसर परेशान कर रहा है, यू कुड गो एंड कंप्लेन टू हिम। 2019 में सरकार को लगा इसमें मजा नहीं, तो ये दोनों पोस्ट ही हटा दी, दिस पोस्ट वेयर एबॉलिश्ड, दोनों को समाप्त कर दिया। अब क्यों समाप्त कर दिया, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, सरकार ने नोटिफिकेशन से बनाया था, जैसे नीति आयोग, बैंक बोर्ड, ब्यूरो वगैरह है, इसमें सक्सेस नहीं मिला इसलिए सरकार ने ये सिस्टम बंद कर दी। सक्सेस इसलिए नहीं मिला, ये जो टैक्स ओम्बुड्समैन थे वो खुद टैक्स ऑफिसर्स ही थे, तो मान लीजिए ये सब लोग हैं और इसमें ये वाले को आप बोल दे कि ये टैक्स ओम्बुड्समैन है, तो दे डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंस, क्योंकि आप अगर इसको शिकायत भी करेंगे तो इसे पता है अजय देवगन तो मेरा सुपीरियर है, अभी मुझे ये डेजिग्नेशन दिया है, मैं वापस 3 साल बाद ट्रांसफर होके मैं जाऊंगा, ये लोग मुझे परेशान करेंगे, सो देर वेर नो सेपरेट लॉज टू एम्पावर हिम। वे स्वयं भी कर अधिकारी थे तो निष्पक्षता से अपने साथी दोस्तों की जाँच वो करते नहीं थे। दूसरा, उनके पास ऐसे कोई, जैसे हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसमें आप जानते हैं वो CIC और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन उनको पावर होता है कि आप वो इतनी बड़ी पेनल्टी लगा देगा या सिविल कोर्ट की तरह वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, इनके पास ऐसा, मान लीजिए ये टैक्स ओम्बुड्समैन के पास ऐसा कुछ नहीं था। दे कुड ओनली सेटल द कंप्लेंट थ्रू एडवाइस एंड मीडिएशन, सलाह और सुलह द्वारा कि ताऊजी आप भी मान जाइए, आप भी मान जाइए, झगड़ा मत करो वगैरह वगैरह, और बहुत खींच के
मामला साबित भी हो जाए कि अननेसेसरीली टैक्स ऑफिसर इसको परेशान कर रहे थे, मैक्सिमम 5,000 रुपये ही विक्टिम को दिलवा सकते हैं। उसके सामने आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन वगैरह तो लाखों रुपए कॉम्पेंसेशन में दे सकते हैं। तो मतलब ये सिस्टम में कुछ मजा नहीं था। तो प्रेजेंटली द क्वेश्चन इज, अगर ऐसा कोई टैक्स ओम्बड्समैन नहीं है और आपको कोई टैक्स ऑफिसर परेशान कर रहा है, तब कंप्लेन किधर करोगे? कंप्लेन करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आयकर सेवा केंद्र, मतलब वो इनकम टैक्स विभाग में ये ऑफिस होती है, वहां जाके कंप्लेन करो। दूसरा तो ये फिजिकल मोड हुआ, रूबरू आपने जाना होगा फेस टू फेस। दूसरा है ऑनलाइन ई निवारण पोर्टल, वहां पर जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन करो। इसमें चैलेंज क्या है? ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही है तो इम्पार्शियली निष्पक्षता से जांच नहीं होगी। वो ऐसा एक पुलिस वाले के खिलाफ दूसरे पुलिस वाले को आप कंप्लेन करें, देन ऑल देयर इज ऑलवेज डेंजर एंड फियर की वो तो उन्हीं की मदद करें, हमारी बात सुनेंगे नहीं। तीसरा तरीका है ऑनलाइन सीपी ग्राम पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के नीचे एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इनकम टैक्स की नहीं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की, सपोज एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मेरा स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया, या ये डिसेबिलिटी दिव्यांगजन डिपार्टमेंट ने मुझे, मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मुझे पैसा नहीं दे रहे जो भी मेरा कॉम्पेंसेशन है, यू कैन कंप्लेन हियर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सभी मंत्रालय की सभी टाइप की कंप्लेन इधर आती है, सीपी ग्राम पोर्टल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। तो स्वाभाविक है वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत धीरे धीरे डिले से काम होता है। सो एट प्रेजेंट डायरेक्ट टैक्स और ये सब में, मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स, इनडायरेक्ट टैक्स में भी यही प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होगा, जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन अलग होता है बैंकों के खिलाफ शिकायत करने के लिए, तो ये लोगों ने अलग कानून से ये सब टैक्स ओम्बड्समैन बनाए। दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो ऐसा नहीं होगा कि ये IRS ऑफिसर हो और 3 साल बाद वापस वो डिपार्टमेंट में जाएगा तो इसका प्रमोशन रोक के परेशान करेंगे, नथिंग लाइक दैट। ये सेपरेट इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जैसे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह लोग होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वगैरह होते हैं। दे डोंट हैव टू वरी लाइक दैट कि मैं वापस जाऊंगा और मेरा प्रमोशन रोक देंगे। तो इंडिया ने भी ऐसा ही कुछ मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कहता है। एंड लास्टली कंक्लूजन, ये टैक्स पेयर चार्टर एंड ओम्बड्समैन, तो कंक्लूजन क्या होगा? बस ये सब करना जरूरी है क्योंकि ऐसा टैक्स टेररिज्म चलेगा, टैक्स ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं होंगे। तो फिर टैक्स पेयर क्या सोचेगा, ईमानदारी से मैं टैक्स क्यों भरूँ, ये तो मुझे परेशान करते। तो टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी, लोग उसको मतलब अपना अधिकार समझेंगे कि टैक्स विभाग हमको परेशान करता है तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से हमको दिखता है कि टैक्स ओम्बड्समैन होना चाहिए। सो नीड ऑफ द आवर इज टू क्रिएट दिस थिंग विद अ सेपरेट लॉ, जैसा जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ऐसा इसका भी टैक्स ओम्बड्समैन का अलग कानून बने और उसमें सब न्याय मिले। सो वी आर डन विद दैट पार्ट। अभी ऐसे और भी ये सीरीज, तो हमने ये फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, सेकंड पिलर में भी सेकंड पिलर में देखिए, हमने टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ब्लैक मनी, 15 फाइनेंस कमीशन, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, टैक्स ओम्बड्समैन, ये देखा। इसके बाद का जो सेशन होगा इस सीरीज में, इसमें हम लोग देखेंगे 2C, मतलब सब्सिडी, सैलरी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, FRBM, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी वगैरह में नया इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है वगैरह वगैरह। सो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन द अपकमिंग मंथ्स। कुछ लोग ये स्ट्रेस में रहते हैं ये सब खत्म नहीं हो पाएगा। मित्रों असल में इतने सारे टॉपिक है ही नहीं है, हैंडआउट वैसे आप पढ़ो, देर आर ओनली फ्यू नोटेबल टॉपिक्स। इधर उधर मारपीट के बनाओ डेली करंट अफेयर्स तो निकले आपको कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो धीरे धीरे हम लोग टाइम पे खत्म करेंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। मेरी प्रोफाइल पेज को ब्रुक मार्क करके रखो, इसमें आता रहेगा। तो आज का कार्यक्रम इधर समाप्त करते हैं और मिलते रहेंगे आगे के कार्यक्रमों में। आप में से जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं 2021-22 और 23 के लिए, अनअकैडमी अपने अलग अलग बैचेस ला रही है, यू कैन ज्वाइन देम। और मेरा खुद का ये जो इकोनॉमी वाला कोर्स, वो वापस से शुरू हो रहा है ऑन 15 जुलाई। और उसका टाइमिंग क्या होगा, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ऐसे सोमवार रात को 9 बजे क्लास होती है। वर्किंग प्रोफेशनल होम मेकर्स ऑल कैन अटेंड, उसकी अलग से पावर पॉइंट, सब हैंड आउट, क्विज वगैरह सब।